यकीन मानिए, अगर हालात रहे ऐसे ही तो ड्रैगन और दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। लेकिन इन सब के बीच इस साल हाइपरसोनिक मिसाइलों की प्रचंड टेस्टिंग ने ड्रग्स डे को और भी नजदीक ला दिया है। प्रचंड मिसाइलों से महायुद्ध की आहट। दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस शुरू। पुतिन के पाताल फाड़ मिसाइल से दुनिया सन्न। समंदर को चीरकर निकल रही है मिसाइल पुतिन का एक और ब्रह्मास्त्र है। रूस ने एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है जिरकॉन। आवाज की रफ्तार से भी तेज स्पीड में इस मिसाइल ने बेरेंट्स सागर के तट पर मौजूद अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। जिरकॉन की ताकत की बात करें तो इसकी रफ्तार 8600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेज। दागे जाने के 2 मिनट के अंदर टारगेट पर अटैक कर सकता है। सेवेरोडविंस्क सबमरीन से जिरकॉन मिसाइल के 2 टेस्ट किए गए और दोनों सफल रहे। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जिरकॉन ध्वनि की गति से 9 गुना ज्यादा तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और ये 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसकी तैनाती से रूसी सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इससे पहले जुलाई में रूसी नौसेना के युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी। दरअसल 2021 हाइपरसोनिक मिसाइलों का साल बन चुका है। पिछले महीने ही अमेरिका ने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की थी। अमेरिका 2013 से ही इस पर काम कर रहा था, जबकि इसके फौरन बाद नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने भी दावा कर दिया है कि उसने भी नई हाइपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ तैयार कर ली है बल्कि उसका परीक्षण भी पूरा कर लिया है और अब रूस भी इस होड़ में शामिल हो चुका है। माना जाता है कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो उसमें उस देश की जीत तय है जो मिसाइलों के मामले में सबसे आगे है और यही वजह है कि दुनिया भर की ताकतें अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रेस चल रही है और किसी के पास आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज तो किसी के पास 7 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल होते क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल, उन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं जिनकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज होती है और 60 मिनट में 15,000 मील यानी कि लगभग 24,140 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को यह भेज सकती है। ये मिसाइलें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होती है। लॉन्चिंग के बाद ये मिसाइल पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है और लौटकर टारगेट को अपना निशाना बनाती है। तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक और खासियत ये भी है कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से उलट अपना डायरेक्शन बदल सकती है, इसलिए इसे पकड़ पाना भी मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस क्यों तेज होती गई।